जीवन में ध्यान की वही आवश्यकता है जो आवश्यकता जीने के लिए भोजन की है। जैसे भोजन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, ऐसे ही ध्यान के बिना कोई मनुष्य पूरी आत्मशांति आत्मसंतोष का अनुभव नहीं कर सकता है। ध्यान की गहराई में उतरने पर ही पूर्ण आत्मसंतोष का अनुभव होगा। आज आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसे खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, या रहने को जगह नहीं मिल रही है, परिवार के लोग बिल्कुल विमुख हो गए हैं, खाने को मिल रहा है पेट भर, पहनने कपड़े मिल रहे हैं, रहने जगह भी मिल रही है, परिवार में लोग सहयोगी भी हैं साथी हैं, फिर भी आदमी क्यों दुखी, क्यों भीतर खाली खाली का अनुभव कर रहा है? एक सोचने की बात है। आदमी सुख की तलाश बाहर करता है। दुनिया में प्राणी मात्र सुख की चाहना रख करके सुख की खोज कर रहा है, फिर उसमें मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये मनुष्य की मांग है। लेकिन होता क्या है, आदमी परिश्रम करता है सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए परिश्रम और दुख का अनुभव, शांति की तलाश अशांति का अनुभव। हर आदमी मानसिक अशांति मानसिक पीड़ा से पीड़ित है, और इस अशांति और पीड़ा को वह दूर करना चाहता है भौतिक प्राणी पदार्थ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके। जीवन निर्वाह के लिए पदार्थों की आवश्यकता है, व्यवहार है तो प्राणियों के बीच व्यवहार होगा, सेवा आदमी करता है तो पद भी मिलेगा, तो पद पैसा परिवार प्रतिष्ठा पदार्थ ये मात्र जीवन निर्वाह के साधन हैं। आत्मशांति आत्मकल्याण या आत्मसंतोष के साधन नहीं है। शांति चाहिए, पूर्ण आत्मसंतोष चाहिए, पूरी दुख निवृत्ति चाहिए, तो बाहर न दौड़कर अंदर प्रवेश करना होगा, अंतर की ओर मुड़ना होगा, और अंतर की ओर मुड़ने के लिए अंदर प्रवेश करने के लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान के बिना हम अंतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन एकाएक हम ध्यान की गहराई में उतर भी नहीं सकते, पूर्ण ध्यान आदमी का एकाएक लगेगा नहीं। उसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रारंभिक सोपान हैं, उन नियमों का पालन करके और उन सोपानों पर चढ़ते हुए ही हम अंतिम ध्यान तक पहुंच सकते हैं। ध्यान में पाना कुछ है नहीं, वस्तुतः
जो हम पा चुके हैं उनको खो देना ही ध्यान है, और जो कुछ हम पा चुके हैं उनको खो देने पर वह चीज मिलेगी जो आज तक कभी मिली नहीं है, वो क्या है? हमारा अपना आपा, आत्मस्थिति। जब तक हम बाहर की चीज़ों को पकड़ करके रखेंगे, हमारा मन बाहर की चीज़ों की तरफ दौड़ता रहेगा, उनमें लगा रहेगा, तब तक हम अपने आप को ना पा सकेंगे ना अपने आप से हम जुड़ सकेंगे। अंदर प्रवेश करना है, अपने से जुड़ना है, अपने को प्राप्त करना है, तो एकमात्र मार्ग है ध्यान। लेकिन उसके लिए नियम चाहिए, सीढ़ियां चाहिए। नियम क्या है आपको बताया गया, आगे बताए जाएंगे नियम, कैसे कैसे सीढ़ी हमें चढ़ना है, इस पर कल या और आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जैसा आपको अभी कहा गया, वाणी संयम, वाणी संयम के बिना न हम ध्यान को समझ सकेंगे और न हम ध्यान में प्रवेश कर सकेंगे। स्वामी शंकराचार्य ने भी जब योग ध्यान साधना की बात कही तो पहली बात उन्होंने यही बताई, वाणी पर संयम, वाक संयम। योगस्य प्रथमं द्वारो वाङ् निरोधो अपरिग्रहः, निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, योगस्य प्रथमं द्वारम, योग का पहला द्वार क्या है? वाङ् निरोधो, वाक निरोध, वाणी संयम। जो आदमी अपनी वाणी पर संयम नहीं कर सकता, वह आदमी कभी अपने मन पर संयम नहीं कर सकता, और जो आदमी मन पर संयम नहीं कर सकता वह जिंदगी में कभी ध्यान का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान में प्रवेश करना है, ध्यान का अनुभव करना है, तो मन पर संयम, और मन पर संयम करना है तब वाणी पर संयम। वाणी के बात के रथ पर सवार हो करके हमारा मन दौड़ता है। आप सब यहाँ तक आए, कैसे आए? कोई रेल से आया, कोई बस से आया, कोई अपनी कार से आया, किसी न किसी वाहन, किसी न किसी सवारी पर सवार हो करके आप आए। हमारे मन की सवारी क्या है? वाणी। आप वाणी पर संयम करके देखें, मन पर संयम अपने आप होने लगेगा। और मन को संयम करने के लिए आप अनेक उपाय करते रहें, वाणी चंचल है तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कोई लता फैलती है या ऊपर चढ़ती है तो आधार चाहिए, झाड़ झंखार का आधार ना मिले, किसी पेड़ का आधार ना मिले, तो लता ऊपर चढ़ेगी कैसे और जमीन पर फैलेगी कैसे? ऐसे ही वाणी आधार है मन को फैलने के लिए। जितनी वाणी चंचल उतना मन चंचल, और जितना मन चंचल उतनी वाणी चंचल, और जितना मन चंचल उतना जीवन में दुख पीड़ा। दुख क्या है? दुख का कारण है मन की चंचलता। आप अपने मन को मात्र एक घंटा शांत रख करके देखें, उस एक घंटा में आपको किसी प्रकार का कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। आप कभी अनुभव करके देख लें, जितने समय में आपका मन एकदम पूर्ण शांत, उस समय आपको कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मानसिक संताप नहीं, कोई जलन नहीं,
आप उतने समय तक पूर्ण मुक्त रहेंगे। तो दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता। इस चंचल मन को हम कैसे शांत करें, कैसे रोकें? ये जो बाहर दौड़ रहा है मन, इसको कैसे भीतर हम प्रवेश करें, भीतर लौट कैसे लौटाएं, इसकी कला, इस कला का नाम है ध्यान। तो पहले वांग निरोधो, वाणी संयम, फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह संग्रह की प्रवृत्ति, बटोरने की प्रवृत्ति, इसको हम सरल भाषा में कहें तो लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ, खाने का लोभ, किसी से मिलने का लोभ, किसी से बोलने का लोभ, कुछ भी लोभ है तो योग नहीं बनेगा। वह योग जिसे हम ध्यान कहते हैं, एक जो कहते हैं योग तो योगासन है, वह एक शारीरिक व्यायाम, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो भी मन रोकने में सहायक होता है। लेकिन जिस योग की बात हम लोग कर रहे हैं वह ध्यान, चित्त निरोध, चित्त संयम। लोभी प्रवृत्ति का आदमी, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, परिवार का लोभ, पुत्र का लोभ, किसी का भी लोभ हो, यहां तक हम कह दें भगवान पाने का भी लोभ है, स्वर्ग जाने का भी लोभ है, तो ध्यान नहीं बनेगा। सारे लोभ का त्याग करना होगा। लोभी और ध्यानी दोनों कैसे होगा? लोभ और ध्यान साथ साथ कैसे बनेंगे? तो अब परिग्रह, कुछ तो कुछ परिग्रह आदमी के पास होता है। कपड़ा हम पहने परिग्रह है, मकान परिग्रह है, पंखे लगे हैं परिग्रह है, कुछ परिग्रह तो होता है जीवन निर्वाह के लिए, मजबूर है आदमी। लेकिन लोभी प्रवृत्ति को हो गया तब परिग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, परिग्रह संग्रह, संग्रह के लिए नहीं, खर्च के लिए हो, सेवा के लिए हो, तब परिग्रह आपकी चिंता, आपके दुख का कारण नहीं बनेगा। तो निर्लोभता और निराशा। निराशा क्या है? एक तो आशावान आदमी को होना चाहिए, आदमी को सारी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए और आदमी को आशावान होना चाहिए। दोनों बातें समझने की है और लगेगा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आदमी को आशावान होना चाहिए। कैसे आशावान होना चाहिए? मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं साधना करके अपने मन को शांत कर सकता हूँ, मुझ में पूरा बल है, इस प्रकार से आप आशावान हों। और लोग साधना करते हैं, उनकी साधना पूरी होती है तो मेरी साधना पूरी क्यों नहीं होगी? और लोग ध्यान में बैठ सकते हैं तो मैं ध्यान में क्यों नहीं बैठ सकता? इस प्रकार से आपको आशावान होना है। लेकिन एक आशा, प्राणी पदार्थों की आशा, जो चीज़ नहीं मिली है उसकी चिंता मन में होते रहना, उसके लिए मन का दौड़ते रहना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये देख लूँ, ये खा लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये आशा है। कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ भोगने की, कुछ बनने की आशा, तब चित्त चंचल बना रहेगा, दौड़ता रहेगा और साधना नहीं बनेगी। दुनिया से कुछ पाने की आशा छोड़नी पड़ेगी। परिश्रम करो, परिश्रम करते रहने से जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहेगी, आशा करके क्या होगा? इसलिए निराश, नित्य में एकांतशीलता और एकांतशीलता।
ध्यान का अभ्यास एकांत में होता है, लेकिन यहाँ तो भीड़ है, 250-300 लोग हो इकट्ठे हैं, ये तो एक अभ्यास कराया जा रहा है, एक प्रशिक्षण है। लेकिन आपको समझना होगा कि भीड़ के बीच रहते हुए भी मैं अकेला हूँ, हम सब अकेले अकेले हैं, कोई किसी का साथी नहीं है। अभी हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो हमारे साथी हमारे लिए दवाई करवा सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, भूख लगी हमारे साथी हमारे लिए भोजन बना सकते हैं। लेकिन हम इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई इनमें से मेरे मन को शांत करने में सहयोगी बन सकेगा? क्या कोई दूसरा किसी के मन को शांत करने में सहयोगी बन सकेगा, सहायता कुछ कर सकेगा? फिर अकेले हैं कि नहीं है आप? सबके बीच मैं अकेला हूं, इस भाव को साधना होगा। ध्यान क्या है? अकेलेपन को साधना। ध्यान अकेला होना है, और अकेले हो गए आप, कौन दुख कौन पीड़ा किसकी चिंता किसका भय? मैं अकेला हूं, एकांत, एक अंत जहां हम अकेले रह जाते हैं। बाहर के एकांत भी चाहिए और भीतर के एकांत, नित्य में एकांतशीलता, नित्य एकांत का सेवन, बाहर भी भीतर भी। जब ये सारी शर्तें पूरी होगी तब हम ध्यान का बराबर लाभ ले सकेंगे। लेकिन पहली बात, वाणी संयम, वाक्य संयम, और साथ साथ जो नियम दिए गए ईमानदारी के साथ उत्साह पूर्वक उनका पालन। जो आदमी नियम पालन में ढिलाई करता है, चाहे आज हो चाहे कभी कहीं भी हो, जहाँ रहता है वहाँ के नियमों का पालन करने में ढिलाई करता है, उसका मन कमजोर है, वह आदमी कभी भी साधक नहीं हो सकता है। कोई साधना करनी है तो नियम में पक्का होना पड़ेगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण तत्परता के साथ नियमों का पालन। थोड़ी भी ढिलाई हुई, मन कमजोर हुआ, चिंता हुई, भय हुआ, साधना में बाधा पड़ेगी। तो वाणी पर संयम रखें, नियमों का पालन करें, और ध्यान का लाभ लेना है, ध्यान को साधना है, तो भोजन पर संयम करें। भोजन आपको यहाँ पर्याप्त मिलेगा, परोसने वाले कम नहीं देंगे, लेकिन कितना खाना है ये निर्णय आपको करना है। संतुलित खाएं, भोजन यहाँ वैसे सुपाच्य रहेगा, मिर्च मसाला रहित, मिर्चा तो पड़ेगा नहीं एको दिन, मसाला के नाम पर हल्दी धनिया नमक जीरा बस, और कोई गरम मसाला भी नहीं पड़ेगा। थोड़ी कठिनाई होगी आप लोगों को, कितने लोग कहते हैं साहब आश्रम में तो गरीब, आश्रम में तो बीमारों का भोजन बनता है, बीमार तो है ही है हम सब बीमार हैं, उसी बीमारी दूर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो भोजन सात्विक तो रहेगा, सुपाच्य भी रहेगा, क्योंकि तली बनी हो ज्यादा होगी नहीं, गरिष्ठ भोजन होगा नहीं, लेकिन सात्विक और सुपाच्य भोजन यहाँ मिलेगा आपको। लेकिन संतुलित वो आप पर निर्भर करता है, कितना मेरे लिए संतुलन होगा, कितने भोजन से मैं आराम से बैठ सकता हूँ 4-6 घंटे तक। सुबह जलपान मिलेगा आपको, दोपहर में भोजन मिलेगा, शाम को फिर भोजन मिलेगा, तो तीनों टाइम आप इतना खाएं कि अगली मीटिंग जब भोजन का समय आए तो आपको खुल करके भूख लग जाए। भोजन पर ध्यान नहीं होगा, भोजन पर संयम नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो ध्यान का आनंद नहीं होगा, फिर नींद आएगी, तंद्रा आएगी, मन भारी होगा, सिर भारी होगा, शरीर भारी होगा, अभ्यास नहीं बन सकेगा। और केवल यही की बात नहीं, जहाँ रहें घर में भी
सात्विक सुपाच्य और संतुलित भोजन, इस पर ध्यान दें। तन से स्वस्थ रहना है और मन से स्वस्थ रहना है तो ध्यान देना होगा। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, हबकिन खईबा ढबकिन चलीबा धीरा धरीबा पाम। हबक करके नहीं खाना है, पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको ये विश्वास हो कि लोग सोचते हैं पता नहीं अभी तो भोजन है और सांग भोजन तो कहीं मर जाए तब क्या होगा, भूखे पर मर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर ध्यानवान नहीं बनेगा भाई। तो हब की न खईबा, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हब करके नहीं खाना है और ढब के न चलीबा, पैर पटक पटक कर चलना नहीं है, धीरे धीरे चलो। उनके गुरु भाई शायद जलंधर नाथ ने या किसी ने कहा है, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घना खाए तो रोगी, दूहू पखा के तत्व विचारे ते कई बिरला जोगी। बहुत थोड़ा खाओगे तो हमें सब भूख लगती रहेगी, शरीर परेशान हो जाएगा, ज़्यादा खाओगे तो रोगी बन जाओगे, इसलिए दूहू पखा के तत्व विचारे न कम न ज़्यादा मध्यम। सदगुरु कबीर मध्यम मार्ग के अनुगामी हैं, बुद्ध भी मध्यम मार्गी हैं, हर जगह मध्यम मार्ग उचित होता है। तो इस पर ध्यान, भोजन पर संतुलन, जब इन नियमों का पालन करेंगे तब हमारा ध्यान बराबर होगा। और आगे जो नियम हैं, आगे ध्यान क्या है कैसे करना है, इस पर चर्चा होगी। इस समय तो अपनी आवाणी मैं यहीं विराम देता हूँ, आगे कुछ और नियम होगा आप सुने, फिर इन विषयों पर हम कल और आने वाले दिनों में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे।